बादलों में तीन केक घर। बहुत समय पहले की बात है, नेहा अपनी बूढ़ी दादी कमला के साथ तिलाशपुर गांव में रहा करती थी। नेहा के माता पिता की कुछ साल पहले ही फैक्ट्री में काम करते वक्त मशीन के नीचे दबकर मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी दादी के साथ ही रहा करती थी। नेहा को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। घर के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं थे। उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी थी, जिस वजह से वो काम भी नहीं कर सकती थी। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब नेहा के कंधों पर आ जाती है। घर का खर्चा चलाने के लिए नेहा एक बेकरी की शॉप में काम करने लगती है। नेहा को बहुत अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी की मालकिन पुष्पा भी उसके काम से बहुत खुश थी। लेकिन पुष्पा बहुत ही स्वार्थी और लालची औरत थी। वो नेहा से पूरा पूरा दिन काम करवाती थी और बदले में उसे बहुत कम पैसे देती थी। ऐसे ही एक दिन, आज हमें फिर से केक के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। तुम्हारे हाथ के केक कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं। अगर तुम ऐसे ही मन लगा कर काम करोगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपए बढ़ा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा मन लगा कर काम करूंगी। अच्छी बात है, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मेरा मुनाफा मतलब तुम्हारा भी फायदा। हाँ, आप सही कह रही हैं। फिर नेहा बेकरी का काम खत्म कर अपने घर वापस आ जाती है। नेहा, तुम थक गई होगी ना बेटा, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। दादी, आपने खाना क्यों बनाया? आपकी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती है, मैं आकर बना लेती, आपने कष्ट क्यों किया दादी? बेटा, वैसे भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। जब से तेरे माता पिता की मृत्यु हुई है, मेरी जिम्मेदारी भी तुझ पर आ गई है। कितनी लाचार हूँ मैं, जो मेरे कारण मेरी पोती को काम करना पड़ता है। नहीं दादी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरे माता पिता के जाने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अगर मैं आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इतना बोलकर नेहा रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बेटी, तू तो मेरी बहादुर बेटी है, अब चुप हो जा और खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और मैं जानती हूँ, मेरी पोती को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो अपनी मालकिन पुष्पा के पास जाती है। मैडम, अगले हफ्ते मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए तुझे छुट्टी? मैडम, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैं अपना जन्मदिन अपनी दादी के साथ मनाना चाहती हूँ। उस दिन मैं और दादी बाहर घूमने जाएंगे और एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। बेकरी में पूरे दिन काम करने के कारण हम दोनों साथ में समय ही नहीं बिता पाते। ठीक है, ले लेना छुट्टी, लेकिन जल्दी से आज का ऑर्डर तैयार कर लो। बहुत सारे केक का ऑर्डर आया है, आज शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। पुष्पा की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और केक बनाने में लग जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, नेहा का जन्मदिन आ जाता है। सुबह उठते ही नेहा की दादी उसके सामने होती है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, भगवान तुझे इस दुनिया की सारी खुशी दे और तू अपनी जिंदगी में सफलता को जल्द ही प्राप्त करे। धन्यवाद दादी, बस आप मेरे साथ रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नेहा अपनी दादी के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तभी पुष्पा का फोन आता है। नेहा, अभी के अभी बेकरी आ जा, बहुत सारे केक के ऑर्डर आए हैं, मैं अकेले इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी, अब बिना देर लगाए बेकरी पहुंचो। पर मैडम, पुष्पा बिना नेहा की बात सुने फोन काट देती है। क्या हुआ बेटा? दादी, लगता है मैडम भूल गई हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं बेकरी जाकर उनसे आज की छुट्टी मांग लेती हूँ। आप मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर बेकरी पहुंचकर नेहा पुष्पा के पास जाती है और कहती है, मैडम आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आज की छुट्टी चाहिए, मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बताया था, लगता है आप भूल गई हैं,
मैंने आपको फोन पर भी बताने की कोशिश की, पर आपने बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो नेहा, वो सब मैं नहीं जानती। आज भी बहुत सारे केक के ऑर्डर आए हैं। मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। तुम्हें छुट्टी दूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैडम, आज मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। आज की आप मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज। तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मैंने छुट्टी दी तो मेरे नुकसान की भरपाई क्या तुम करोगी? बोलो। पुष्पा की बात सुनकर नेहा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बेमन से काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद नेहा पास की नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर नेहा यहाँ वहाँ देखने लगती है। लगता है कोई मुसीबत में है। ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। जल्दी से मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये सोचते हुए नेहा जंगल की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर चलने पर नेहा देखती है एक परी रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। नेहा जल्दी से उस परी के पास जाती है और उसकी रस्सियाँ खोल देती है। आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं नटखट परी हूँ। मुझे यहाँ चुड़ैल ने बंदी बना कर रखा है, लेकिन तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप परी हो? फिर तो आप परी लोक में रहती होगी। फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं परी लोक में रहती थी, लेकिन पिछले साल मेरी माँ ने मुझे मेरे नेक कामों के इनाम के रूप में केक का घर गिफ्ट किया था, जो ऊपर बादलों में है, और मैं उसी में रहती हूँ। लेकिन अब मैं उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है। बिना छड़ी के मैं उस केक के घर में नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं परी नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें बादलों में जाना होगा। वहाँ तुम्हें 3 केक के घर दिखाई देंगे, जिसमें से 1 केक घर में परी माँ की दी हुई दूसरी जादुई छड़ी रखी है। बाकी 2 घर चुड़ैल के माया के जाल से बने हैं। तुम्हें अपनी समझदारी से सही केक घर को चुनना होगा। अगर तुम मुझे वो छड़ी ला कर दोगी तभी मैं उस घर के अंदर जा सकती हूँ। पर मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? मेरे पास ना ही आपकी तरह शक्तियाँ हैं और ना ही आपकी तरह पंख। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताती हूँ। तभी परी चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही उसके सामने सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है, जो सीधा बादलों तक जा रही थी। ये देखकर नेहा चौंक जाती है। अब तुम जल्दी से इन सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों में चली जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी। नेहा सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही नेहा को 3 केक के घर दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उन केक के घर के पास पहुंचती है, तभी पहला केक का घर कहता है, नेहा तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है। तुम मुझे चुनोगी तो तुम्हें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तभी दूसरे केक के घर से आवाज आती है, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। अगर तुम मुझे चुनोगी तो तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। तभी तीसरे घर से आवाज आती है, अगर तुम मेरे घर के अंदर आती हो तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। अब तुम्हें चुनाव करना है कि तुम किसे चुनती हो। तीनों केक घर की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, पहले केक के घर के अंदर धन और दौलत है, दूसरे केक के अंदर ऐशो आराम है, तीसरे केक के अंदर सुख और दुख है। जीवन में केवल सुख नहीं हो सकता, सुख और दुख तो जीवन का संगम होता है। इसका मतलब परी की जादुई छड़ी इस तीसरे केक के घर में ही है। मुझे तीसरे केक के घर में जाना चाहिए। फिर नेहा तीसरे केक घर में जाती है। वो केक घर जितना बाहर से सुंदर था, वो अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर था। उस घर के अंदर सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। फिर नेहा की नजर टेबल पर रखी परी की छड़ी पर जाती है। नेहा बिना किसी चीज का लालच किए उस छड़ी को लेकर परी के पास आ जाती है। छड़ी को देखकर परी बहुत खुश होती है। नेहा, तुम सच में बहुत ही ईमानदार और सच्ची लड़की हो। तुमने धन दौलत और ऐशो आराम वाला केक ना चुनकर मेरी मदद करने का निर्णय लिया। सच में तुम बहुत ही दयालु हो।
मुझे किसी चुड़ैल ने कैद नहीं किया था। मैं परीलोक की रानी परी हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये केक का घर दे रही हूँ, जिसमें तुम अपनी दादी के साथ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। फिर रानी परी छड़ी घुमाकर बहुत सारा धन नेहा को देती है। नेहा, इस धन की मदद से तुम अपनी खुद की बेकरी शुरू कर सकती हो और तुम्हें दूसरों के यहाँ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। आपने तो एक झटके में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं सच कहती हूँ, मैं सच्चे दिल से मेहनत करूँगी। फिर नेहा उन पैसों की मदद से अपनी खुद की बेकरी शुरू करती है और बहुत कम दामों में केक बेचने लगती है। साथ ही गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और केक की पार्टी देती है। नेहा की तरक्की देखकर पुष्पा को मन ही मन बहुत पछतावा होता है। वो नेहा से माफी मांगती है। अब नेहा की झोली में खुशियां ही खुशियां थी और ये सब उसकी अच्छाई और सच्चाई का इनाम था। एक बार की बात है, राधेपुर नाम के गांव में सुनामी की बहुत बड़ी त्रासदी आती है। सुनामी में कई लोगों की मौत होती है। उसी गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता और छोटी बहन की सुनामी में मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सुनामी की त्रासदी कम होती है और माता पिता और बहन की मौत की खबर शिल्पा को मिलती है, वो रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? एक पल में ही मेरा घर उजड़ गया। अभी कुछ दिन पहले तक तो मैं अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रह रही थी और अब सब मुझे छोड़ कर चले गए। उनके बिना मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? इस तरह कुछ दिनों तक शिल्पा अपने परिवार वालों के याद में रोती रहती है। सुनामी में उसका घर भी पूरी तरह से उजड़ गया था, जिसके बाद शिल्पा एक झोपड़ी में रहने लगती है। घर में राशन भी खत्म हो गया है, मुझे काम भी ढूंढना होगा। इतना सोचकर शिल्पा काम ढूंढने बाहर जाती है। उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है। इस तरह जैसे तैसे वो अपना गुजारा करने लगती है। गांव की सभी लड़कियां शिल्पा का बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन शिल्पा काम करके घर लौट रही होती है, तभी पूनम नाम की एक लड़की उसे रोकती है और बोलती है, ओए नौकरानी, आ गई दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके। तुझे ऐसे नौकरानी का काम करते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आता है। मेरे घर में भी आ जाया कर झाड़ू पोछा करने, तुझे तेरी औकात से ज्यादा पैसे दे दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझ पर एहसान करने की। मेरा इतने में अच्छे से गुजारा चल जाता है। कोई काम तो है नहीं, सारा दिन यहाँ बैठकर आते जाते लोगों का मजाक बनाती रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकतें करके लोग तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं? बहुत बुरी लगती हो ये सब करती हुई, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी कुछ अच्छा करना तो तुमने सीखा ही नहीं है। इसके अलावा ना ही तुम्हें कुछ आता है और ना ही कभी आएगा। शिल्पा की बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शिल्पा अपने घर वापस लौट आती है। इस तरह शिल्पा अकेली ही अच्छे से रह रही थी। तभी एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर विमला नाम की एक औरत आती है। कोई है क्या? विमला की आवाज़ सुनकर शिल्पा बाहर आती है। जी बताइए, क्या बात है? बेटी, मैं शहर में रहती हूँ। मेरी एक सहेली ने कहा था कि इस गांव में एक प्रसिद्ध बाबा की गुफा है। उनसे जो भी अपनी मन की कहता है वो बात पूरी हो जाती है। हाँ है तो, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनसे मिलने। बेटी, मैं शहर से उन्हीं बाबा से मिलने आई हूँ। क्या तुम मुझे उनकी गुफा तक ले जाओगी? लेकिन काकी, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और उनकी गुफा एक घने जंगल में है। आज रात आप मेरे साथ रुक जाओ, कल मैं आपको ले चलूंगी। शिल्पा विमला को झोपड़ी के अंदर लेकर आ जाती है। शिल्पा विमला की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। अगले दिन विमला शिल्पा से कहती है, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने एक दिन के लिए मुझे अपने घर पर रुकने दिया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप मेरे घर पर रुकी। आपको जब भी समय मिले आप यहाँ आकर रह सकती हो। अभी थोड़ी देर में चलेंगे बाबा की गुफा में। वैसे बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ काकी, बोलिए। बेटी, मुझे तुम्हारे परिवार वाले नजर नहीं आए, वो सब कहीं और रहते हैं क्या?
मैंने सोचा कि जाने से पहले उनसे भी मिल लूं। काकी, मेरे माता पिता और बहन की मौत हो चुकी है। दरअसल कुछ महीने पहले गांव में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसी में मेरे परिवार वालों की मौत हो गई और मेरा घर उजड़ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। सच में तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन तुमने खुद को संभाला। चलिए काकी, वरना देर हो जाएगा। शिल्पा, तुम मुझे पता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें काम करने भी जाना होगा। शिल्पा विमला को पता बता देती है और विमला वहाँ से चली जाती है। शाम को विमला वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में कुछ लड़कियाँ शिल्पा का मजाक बना रही है। अरे शिल्पा, जरा बता दो, किस किस घर में झाड़ू पोछा लगाती है? तेरी झोपड़ी कितनी गंदी दिखती है, किसी दिन चोर की हवा चली तो तेरा घर ढह जाएगा। पूनम की बातें सुनकर शिल्पा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। अरे अरे, जा कहाँ रही है? अच्छा चल, यही बता दे कि आज झाड़ू पोछा लगाने में कितने पैसे मिले। आज के पैसे में तेरा एक वक्त का खाना हो भी पाएगा कि नहीं? इतना बोलकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी शिल्पा की नज़र विमला पर जाती है। अरे काकी, आप फिर से यहाँ? हाँ बेटी, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। अच्छा, आपका यहाँ कुछ छूट गया था क्या? नहीं नहीं, मैं शहर वापस लौट रही थी तो सोचा जाते हुए एक बार फिर से तुमसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने। अब चलिए घर में, मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ। शिल्पा विमला को लेकर अपने घर जाती है। बैठो काकी, थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाएगा। इतना बोलकर शिल्पा खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और शिल्पा विमला को खाना दे देती है। विमला खाना खाती है और बोलती है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। इस तरह थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। कुछ घंटों बाद विमला वापस अपने घर जाने लगती है। तभी जाते हुए विमला शिल्पा को एक नेल पॉलिश देती है। ये लो बेटी। नेल पॉलिश? लेकिन आपने मुझे ये क्यों दिया? रख लो, मेरे जाने के बाद तुम इसे अपने घर के बाहर लगा देना। 3 दिन बाद इसका कमाल देखना। इससे भला क्या कमाल हो सकता है? ये सब तुम्हें अपने आप कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। विमला के जाने के बाद शिल्पा अपने घर के बाहर नेल पॉलिश मिट्टी के नीचे दबाकर रख देती है। 3 दिन बाद शिल्पा की जैसे ही सुबह आँख खुलती है, वो देखती है कि उसकी झोपड़ी तो बड़े से घर में बदल गई है। ये कैसे हुआ? कहीं ये वही कमाल तो नहीं जिसके बारे में काकी बता रही थी? इतना बोलकर शिल्पा बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि जहाँ उसने नेल पॉलिश रखा था, उसके ऊपर 10 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। ये देखकर शिल्पा बहुत हैरान होती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, नेल पॉलिश को यहाँ से निकाल देती हूँ। उसके बाद शिल्पा नेल पॉलिश को मिट्टी के अंदर से निकाल देती है और उसे घर के अंदर रख देती है। तभी नेल पॉलिश में से आवाज आती है, शिल्पा मैं जादुई नेल पॉलिश हूँ। जादुई? शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुश होने की बजाय डर रही थी। अगले दिन विमला फिर से शिल्पा के घर आती है और बोलती है, शिल्पा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। विमला की आवाज़ सुनकर शिल्पा बाहर आती है और उसे घर के अंदर ले आती है। शिल्पा विमला को अपने साथ हो रही घटना के बारे में बताती है। तभी अचानक विमला परी बन जाती है और बोलती है, तुम मुझे अपनी ही तरह मामूली इंसान समझ रही थी, लेकिन मैं परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी। लेकिन क्यों? दरअसल मैंने पूनम को अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सड़क पर तुम्हारा मजाक बनाते हुए देख लिया था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं एक मामूली औरत का रूप लेकर तुम्हारे घर आई। अच्छा, सच में ये नेल पॉलिश जादुई है क्या? हाँ, मैं चाहती तो तुम्हें खुद जादुई नेल पॉलिश के कमाल के बारे में बता देती, लेकिन मैंने सोचा कि तुम खुद इसके बारे में जानो, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये बोलकर परी हंसने लगती है। अच्छा, तो ये सब आपकी योजना थी? हाँ,
मैंने सोचा कि क्यों ना जादुई नेल पॉलिश देने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लिया जाए। जादुई नेल पॉलिश हर रोज तुम्हें 10 सोने के सिक्के देगी। उसे बाजार में बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये जानकर शिल्पा बहुत खुश होती है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद कभी भी परी शिल्पा से मिलने नहीं आती है। सोने के सिक्कों को बेचकर शिल्पा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो बहुत अमीर बन जाती है। शिल्पा सोने के सिक्के गांव के गरीब लोगों को दिया करती थी, जिसकी वजह से गांव में सभी शिल्पा को बहुत पसंद करते थे। एक दिन पूनम शिल्पा के पास आती है और बोलती है, शिल्पा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं अपने से हर छोटे व्यक्ति का मजाक बनाती थी। लेकिन आज तुम्हारे पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन तुम कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाती। यहाँ तक कि तुम गरीब लोगों की मदद भी करती हो। मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिला है। मैंने ये जाना कि अमीर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हर कोई नहीं बन सकता। अब मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी ये बातें जानकर खुशी हुई। आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस दिन से पूनम और शिल्पा दोस्त बन जाते हैं। अब शिल्पा के पास पैसों के साथ साथ एक दोस्त भी थी, इसलिए अब वो पहले से भी ज्यादा खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विनी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।